अध्याय 24, उत्साह द्वारा प्रभावित करना। वो महान योग्यता की धनी है, बस उसे कारण और चर्चा की कला पर ध्यान देना है। यदि वो ऐसा कर सकी तो वो लोगों को प्रभावित कर सकती है। शेक्सपियर। उस व्यक्ति को सबसे महान कलाकार की उपाधि दी जानी चाहिए जो दर्शकों की भारी भीड़ से घबराए बिना पियानो पर उंगलियों का जादू दर्शाने में सक्षम हो, जो दर्शकों की उग्रता को सहजता में बदलने का हुनर रखता हो, जो सुरों में मौजूद मस्ती से दर्शकों को हंसा सके और शोक के सुरों से दर्शकों की आंखों को पनीला कर दे। उसे दर्शकों के समक्ष लेकर आओ, चाहे दर्शक कैसे भी हों, उजड या सभ्य, खुश या नाखुश, शिष्ट या जंगली। महान कलाकार को अपनी कला से दर्शकों को खुश या मस्त करने की कला आनी चाहिए। ऐसे कलाकार अमर होते हैं। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन। दर्शकों में उत्साह पैदा करने का हुनर कम या ज्यादा सफलता का अहम कारण होता है। दर्शकों के लिए महत्व रखने वाले मुद्दे के प्रति उत्साह पैदा कर अपेक्षा अनुसार परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य कम या ज्यादा, सही या गलत, उचित या अनुचित और शांत या भड़कीला हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके इस कला का प्रभाव अतुल्य होता है। मैथ्यू अर्नॉल्ड के व्याख्यान के अनुसार दृढ़ विश्वास रखने की शिक्षा देना स्वाभाविक रूप से जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में वाद विवाद और अक्सर सुझावों की सहायता ली जाती है। इससे संबंधित उपयुक्त जानकारी की अगले अध्याय में विस्तार से चर्चा की जाएगी। दरअसल जनता के समक्ष बोलने की कला में कहीं न कहीं दर्शकों को प्रोत्साहित करने की कला का इस्तेमाल किया ही जाता है। दर्शकों को प्रोत्साहित करने की कला पूर्णतः बौद्धिक होने के मुकाबले भावनात्मक होती है। इसमें जनता के समक्ष भाषण देने की कला के लगभग सभी सिद्धांतों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें चर्चा के सभी प्रकार शामिल होते हैं। इस वाक्य के द्वारा इस विधि का इस्तेमाल समझा जा सकता है। जातिवाद के विरुद्ध अपील सदैव प्रभावशाली साबित होती है। आमतौर पर इसे न्याय संगत माना जाता है। किसी विशेष विचार या अपील के साथ जातिवाद के मुद्दे को खड़ा किया जा सकता है। रुडयार्ड किपलिंग ने इस विधि का इस्तेमाल किया था। इस मुद्दे के आधार पर यूरोपीय युद्ध पर चर्चा की गई। किपलिंग ने युद्ध के दौरान जातिवाद के मुद्दे का इस्तेमाल निजी स्वार्थ के लिए किया। यह ऐसा मुद्दा है जिसके लिए आम जनता का समर्थन मिल ही जाता है। इसे प्रगतिशील अपील का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा सकता है। कई लोग छोटे उद्देश्य के साथ शुरुआत करते हैं और फिर निजी स्वार्थ के लिए मुद्दे को बड़े स्तर पर भुनाने की कोशिश करते हैं। बिना गलती, बिना इच्छा के जर्मन वासियों को युद्ध के लिए मजबूर किया गया है। जर्मनी एक ऐसी राष्ट्रीय शक्ति है जो पिछले 20 सालों से इस युद्ध की तैयारी में जुटी है। एक ऐसी शक्ति जो सभ्य समाज को बंदूक की नोक पर जीतने का दम रखती है। पिछली दो पीढ़ियों से जर्मन सरकार पुस्तकों, शिक्षण संस्थानों, भाषणों और चर्चाओं के जरिए बड़ी सावधानी पूर्वक अपने देश की जनता को समझाती आई है कि विश्व विजय ही सभी तैयारियों और कुर्बानियों का मुख्य लक्ष्य है। हमने बड़ी सावधानी पूर्वक तैयारी की है और महान बलिदान दिए हैं। हमें सैनिकों, सैनिकों और बस सैनिकों की जरूरत है। यदि हमें हमारे मित्र राष्ट्रों का साथ मिलता है तो हम संगठित बर्बर विरोधियों को कुचल डालेंगे। कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है। हम आधुनिक हथियारों से सुसज्जित दुश्मनों का मुकाबला करने जा रहे हैं। दुश्मन ताकतवर है, लेकिन हमारा बस एक ही लक्ष्य है, दुश्मनों को जड़ से खत्म कर देना। बेल्जियम पर हमला, फ्रांस पर आक्रमण और रूस से मुकाबला, हमारे पास बस यही एक रास्ता बचा है। जर्मन वासियों का मुख्य उद्देश्य, जो बार बार दोहराया जा चुका है, जिसकी कसम बार बार खाई जाती है, वो है ब्रिटिश साम्राज्य को नेस्तोनाबूद करना, ब्रिटिश सरकार की संपदा एवं व्यापार को नष्ट करना और विश्व से ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व को खत्म कर देना। यदि आप कुछ देर के लिए आक्रमण के सफल होने की कल्पना करें तो यकीनन सफलता खुद ब खुद कदम चूमेगी। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटिश सरकार नहीं झुकेगी, लेकिन हम विश्व के नक्शे से इंग्लैंड का अस्तित्व खत्म कर देंगे। हमारे भाग्य में जीत लिखी है। हम एक नए युग में कदम रखने जा रहे हैं। युद्ध की जिस गरिमा और सच्चाई को हम पिछले 100 सालों से भूल चुके हैं, उसे याद करने का समय आ गया है।
हमें अपने पराक्रम का उसी तरह इस्तेमाल करना है जैसे हमारे पूर्वजों ने किया था। मुश्किलों से भरे इस लंबे सफर में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, हमें कठिनाइयों और निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन हमारे कदम कभी नहीं डगमगाएंगे। हम इस युद्ध को अंजाम तक लेकर जाएंगे। हम सभी साथ मिलकर इस युद्ध का सफल परिणाम तय करेंगे। सामाजिक भेदभाव जैसी बुराइयां हमारे देश से खत्म हो चुकी हैं। इस संघर्ष ने सभी जाति के लोगों को केवल और केवल जर्मन बना दिया है। जीवन को लेकर हमारी सभी इच्छाएं एवं जरूरतें भी महज 6 हफ्तों पहले खत्म हो चुकी हैं। अब हमारे सामने बस एक ही लक्ष्य है जो हर व्यक्ति के दिल का हिस्सा बन चुका है, जीत, जीत और बस जीत। यदि हमने अपने अधिकारों को हासिल करना है तो स्वतंत्रता को धरती का मूल सिद्धांत बनाना है तो जर्मनी के हर व्यक्ति को युद्ध करना होगा, बलिदान देना होगा। इस उदाहरण से साफ होता है कि दर्शकों को प्रभावित करने के लिए उनके हित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए और उनकी भावनाओं के मुताबिक लक्ष्य तय करने चाहिए। इन 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जनता में उत्साह भरने के लिए ये सिद्धांत मूल मंत्र का कार्य करते हैं। पहले सिद्धांत की समझ के लिए मानवीय उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं की गहन जानकारी होना बहुत आवश्यक है। वे कौन से उद्देश्य हैं जो व्यक्ति को कार्यशील बनाते हैं? इन उद्देश्यों को गंभीरता के साथ समझने की कोशिश कीजिए। अध्ययन कीजिए कि किस प्रकार उन उद्देश्यों को हासिल किया जा सकता है। ध्यान दीजिए कि कौन से उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं से दर्शक प्रभावित हो सकते हैं। दर्शकों के आदर्श और जीवन के प्रति रुचि का स्रोत क्या है? आपके आकलन की कमी का भुगतान स्वयं आपको ही करना होगा, अर्थात विषय को बारीकी से समझना चाहिए। पैलेस्टाइन में यहूदियों के लिए समर्थन मांगने से कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा प्रयास केवल निराशा ही दे सकता है। दर्शकों के बारे में अध्ययन कीजिए, उनकी विचारधारा, रुचि आदि के बारे में जानकारी हासिल कीजिए। इसके पश्चात जबरदस्त तैयारी के साथ दर्शकों के समक्ष पहुंचिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। दर्शकों की तादाद जितनी ज्यादा हो, विषय और भाषण का अंदाज उतना ही व्यापक होना चाहिए। अविवाहित लोगों को फर्नीचर के बीमे से संबंधित विषय के प्रति आकर्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता के मुद्दे पर जनता का समर्थन बटोरा जा सकता है। प्रमाणित दवाओं के विज्ञापन में सबसे पहले बीमारी का जिक्र किया जाता है, इस प्रकार ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना आसान होता है। यदि सबसे पहले दवा की मात्रा और खर्च, फिर दवा की विशेषता और निवारण का जिक्र किया जाए तो जाहिर तौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल होगा। सोचने के लिए मजबूर करने वाले विज्ञापन से समाधान के लिए उत्साह पैदा होता है। कंपनी की दवा बेचने की उत्सुकता के मुकाबले ग्राहकों में दवा खरीदने की उत्सुकता ज्यादा अहमियत रखती है। हाल ही में एक पुस्तक विक्रेता न्यूयॉर्क के नामी अटॉर्नी के दफ्तर पहुंच गया। उसने कहा कि क्या आप पुस्तक खरीदना पसंद करेंगे? लेकिन अटॉर्नी को पुस्तक खरीदने की जरूरत होती तो वो पहले ही खरीद चुका होता। इसी प्रकार एक सिलाई मशीन विक्रेता ने एक सॉलिसिटर से सिलाई मशीन खरीदने के लिए पूछा। दोनों मामलों में विक्रेता ने एक ही गलती को दोहराया, उन्होंने केवल अपने फायदे के लिए अपील की। कामयाब वक्ता की अपील में खुद के फायदे से ज्यादा सुनने वाले के फायदे का संदेश होना चाहिए। इंसान फितरतन स्वार्थी होता है, वो उन्हीं चीजों की ओर आकर्षित होता है जिससे उसका फायदा हो। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार सीनेटर थस्टन ने क्यूबा के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप की अपील की थी और किस प्रकार ब्रायन ने अपने भाषण में जन कल्याण के मुद्दों को उठाया था। प्रोत्साहन से भरा भाषण दर्शकों में जोश की लहर पैदा करता है। ऐसे भाषणों से लोगों में कर्तव्य का भाव पैदा होता है। प्रोत्साहित करने वाले भाषण के 4 विभिन्न तरीकों पर ध्यान दीजिए और इनमें छिपे उद्देश्यों का आकलन कीजिए। बदला लो, चारों ओर फैल जाओ, ढूंढो, जला दो, मार दो, काट दो, कोई भी गद्दार बचना नहीं चाहिए। शेक्सपियर की रचना जूलियस सीजर से। आखिरी शत्रु की हत्या तक हमला करते रहो, मृत्यु शैया और ज्वाला के लिए हमला करो, बहादुर साथियों की मौत के लिए हमला करो, भगवान और सर जमीन के लिए हमला करो। फिट्ज़ग्रीन हेलेक की रचना मार्को बुजारिस से।
विश्वास करें श्रीमान, यदि उन नन्हे बच्चों का सवाल नहीं होता तो आज वो अपना मेहनताना लेने नहीं आता। आपके फैसले के फलस्वरूप ही ऐसे हालात पैदा हुए। माननीय न्यायाधीश, आप इन अभागे बच्चों को भिखारी बनने की मजबूरी से बचा सकते थे, आप इन्हें अनाथ होने से बचा सकते थे। ओह, मैं जानता हूं कि आपके फैसले के बाद मुझे दया की कामना नहीं करनी चाहिए, मुझे आपकी सहानुभूति के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए, मुझे दया नहीं न्याय चाहिए। मैं शपथ लेता हूं, पिता के रूप में नहीं, एक पति के रूप में, एक नागरिक के तौर पर, नागरिक के तौर पर भी नहीं, एक इंसान के तौर पर, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी नहीं, एक ईसाई के तौर पर मैं कसम लेता हूं, आपके सामाजिक, निजी, नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों की, अपने परिवार के अनादर, घर के उजड़ने, ईश्वर के अन्याय की, ईश्वर बचाए इस देश को संक्रामक महामारियों से और जुल्म से, प्रभु भविष्य में पैदा होने वाले हजारों बच्चों को ऐसे दुख, अपमान और निंदा के उदाहरण से बचा कर रखे। गुथेरी की ओर से अदालत के समक्ष अपील। चार्ल्स फिलिप्स। मैं मखमली मोजे पहनकर गुलामों के संगीत पर नृत्य करने वाले और इस कार्य को स्वतंत्रता कहने वाले व्यक्ति की ओर से आग्रह करता हूं, उस व्यक्ति की ओर से जो घंटियां लगा मुकुट पहनता है, जिसने हेस्टर प्रायन को शर्मनाक स्तर तक गिराने के कार्य को धर्म का नाम दिया, वो अमेरिकी विचारधारा के विस्तार के लिए गुनाहगारों को दंड देता है और इस कार्य को सच्चाई और धर्म कहता है। मैं इंग्लैंड के कुलपति की ओर से नए कवियों से आग्रह करता हूं, एंटीकॉट से लेकर लॉवेल तक, विंथ्रॉप से लेकर लॉन्ग फेलो तक, नॉरेटन से होम्स तक, और मैं साधारण जनता के अधिकारों की ओर से आग्रह करता हूं, मैं जनमानस की उत्पत्ति करने वाले पूर्वजों की ओर से भी आग्रह करता हूं, बीते हुए समय को जंगलियों की क्रूरता से नहीं, शहीदों के लहू से प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। बीता हुआ समय बीत गया है, इसे ज्यादा कुरेदने की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान और भविष्य महत्वपूर्ण है, इन्हें संगीत और उल्लास से भर दो। पूर्वजों के द्वारा मिली शिक्षा ने हमें धन्य कर दिया है, हमें उनके द्वारा स्थापित किए गए कानून और नियमों को पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी आंखों में मौजूद चमक से समृद्धि का मार्गदर्शन होगा, हमें सहन शक्ति का वरदान मिला है, अपनी महान शिक्षा के साथ प्रभु सदा हमारे साथ रहे हैं, अब प्रभु धर्म, लोकतंत्र और देश प्रेम की स्थापना के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे, प्रभु की शरण में सभी बुराइयों का नाश होगा। जॉन ग्रीनलीफ ने बार बार इस सीख को दोहराया है, हम सबके पिता एवं प्रिय ईश्वर, क्रूरता के प्रति विश्वास के लिए हमें क्षमा करें, धर्म को नकारने वाले अंधेपन के लिए हमें क्षमा करें, अपने आदर्शों को छोड़ने, उनका उल्लंघन करने के लिए हमें क्षमा करें, लहू की वेदिका से उठती ज्वाला ने हमें रास्ता दिखाया है, अब हम मानवता के मार्ग को कभी नहीं छोड़ेंगे। हेनरी वॉटरसन की रचना प्यूरिटन एंड कैवेलियर से। फ्रांस के खिलाफ युद्ध गीत न लिखने के मुद्दे पर लगातार निंदा के विरोध में गोएथे ने जवाब दिया, अपनी कविताओं से मैं कभी लज्जित नहीं हुआ हूं, नफरत की भावना के अभाव में मैं नफरत भरे गीत कैसे लिख सकता हूं? केवल उसी मुद्दे का प्रभावशाली प्रचार किया जा सकता है जिससे आप दिल से जुड़े हों। मान्यताओं की तरह भावनाएं भी संक्रामक होती हैं। मुद्दे की वास्तविकता में विश्वास रखने वाला वक्ता ही जनता को अपने भावों से प्रेरित कर सकता है। ईमानदारी, प्रभाव और उत्साह से ज्यादा महत्वपूर्ण है भावना। भावना के आधार पर की गई अपील बेहद प्रभावशाली होती है। भाषण के तकनीकी पहलुओं के मुकाबले भावना का प्रभाव ज्यादा असरदार होता है। इसी प्रकार इशारों की शोभा और निपुण उच्चारण के प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जनता के समक्ष पेश की जाने वाली अपील को उचित दलील का आधार देना जरूरी होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप विचारों की नींव तैयार करें और इमारत खड़ी करने में लापरवाही बरतें।
अर्थात विचार का आदान प्रदान उचित परिणाम मिलने तक जारी रहना चाहिए। अध्याय 25, जनसमूह को प्रभावित करना। कामयाबी एक व्यवसाय है। अंत में दर्शकों की कल्पना को छूने वाले वाक्यों को याद कीजिए। यही वजह है कि आज के दौर के उपदेशक जनता को उस प्रकार प्रभावित करने की कला में माहिर नहीं होते जिस प्रकार कार, टोपियां और अन्य वस्तु बेचने वाले व्यापारी ग्राहकों को प्रभावित करने की कला में निपुण होते हैं। जनता की कल्पना के अनुसार प्रभाव डालने की कला व्यापारियों से सीखने की आवश्यकता है। गेरोल्ड स्टेनली ली। सन 1914 के शुरुआती दौर में पेरिस के फ्रांसीसी और बर्लिन के जर्मनों का समूह मनोवैज्ञानिक तौर पर गुट नहीं माना जाता था। प्रत्येक व्यक्ति की विशेष आवश्यकताएं एवं उद्देश्य थे और इन लोगों को संगठित करने के लिए कोई एक विचारधारा भी नहीं थी। इस दौरान समूह को केवल अलग अलग विचारधारा वाले लोगों का जमावड़ा माना जाता था, लेकिन एक महीने के भीतर लोगों की भीड़ ने गुटों का रूप ले लिया। देशभक्ति, सामूहिक भय और व्यापक संताप ने लोगों को संगठित करने का काम किया। किसी समूह, झुंड और गुट की मनोवैज्ञानिक स्थिति व्यक्ति विशेष की मनस्थिति से भिन्न होती है। भीड़ का अपना अलग अस्तित्व होता है। कारण से प्रभावित होकर व्यक्ति कई व्यक्तिगत भावनाओं और उद्देश्यों को दबा लेते हैं, लेकिन भीड़ की भावनाओं और उद्देश्यों को दबाने में किसी कारण का जोर नहीं चलता। व्यक्तिगत तौर पर किए गए कार्यों के लिए स्वयं व्यक्ति जिम्मेदार होता है, लेकिन लोगों की भारी संख्या की वजह से भीड़ किसी कार्य के लिए जवाबदेह नहीं होती। लोगों का उत्तेजित समूह किसी भी भयानक विचार को अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। भीड़ की विचारधारा आदिम होती है। भीड़ में विचारों के प्रति प्रोत्साहन होता है, लिहाजा विचारों की पूर्ति के लिए भीड़ किसी भी हद तक पहुंच सकती है। भीड़ लोगों द्वारा तैयार किए गए गिरोह के समान होती है। रस्किन ने भीड़ का कुछ इस तरह से व्याख्यान किया है। भीड़ से किसी भी विषय से संबंधित बात की जा सकती है, उनकी भावनाओं के विषय में जो अक्सर मुख्य विषय होता है, भलाई और धर्म के बारे में, जबकि भीड़ के लिए इन विषयों पर चर्चा का कोई आधार नहीं होता। इसके बावजूद भीड़ में उपस्थित लोगों से इन विषयों पर चर्चा की जा सकती है। भीड़ को मन मुताबिक ढाला जा सकता है, उत्तेजित किया जा सकता है और बड़े से बड़े कार्य की पूर्ति के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। भीड़ में विचारों से संबंधित संदेश किसी संक्रामक बीमारी की तरह फैलता है। जुकाम की तरह विचारों का संक्रमण होता है और कोई ऐसा विषय, कार्य या उद्देश्य नहीं है जिसके लिए भीड़ को प्रेरित न किया जा सके। भीड़ में लक्ष्य की पूर्ति का जज्बा दौरे की तरह पड़ता है और लक्ष्य पूर्ति के पश्चात दौरे की तरह ही गायब हो जाता है। इतिहास में जनसमूह की कार्यशैली के महत्वपूर्ण उदाहरण शामिल हैं। मध्यकालीन दौर में जनता को प्रोत्साहित करने के लिए कारणों की आवश्यकता नहीं थी। मध्यकाल में लोगों ने स्वाभाविक तौर पर प्रभुत्व के पक्ष में समर्थन दिया। जनता के धर्म ने लोगों की भावनाओं को झिंझोड़ा। इस भावना ने साधारण तौर पर लोगों को संगठित कर गुट बनाने के लिए प्रेरित किया। 11वीं शताब्दी में साधु संतों ने जनता को मजबूत बनाने के लिए कष्टों के प्रति भय मुक्त होने की शिक्षा दी। एक विचित्र मापदंड तैयार करते हुए कहा गया कि 1000 कोड़ों की मार को 10 भजन संग्रह के रूप में ग्रहण किया जाए और 15000 कोड़ों की मार को पूर्ण भजन संग्रह माना जाए। इस प्रकार कोड़ों की मार को खुशी खुशी झेलने वाले लोगों के समूह बनने तैयार हो गए। जनता में जुनून की जबरदस्त लहर प्रभावित होने लगी। इस जुनून को खत्म करने के लिए सड़कों पर जुलूस निकालने वाली मंडलियों के अध्यक्षों को जिंदा जलाया गया, प्रताड़ित किया गया, लेकिन जनता ने निरंकुश हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेके। धर्म योद्धाओं के उपदेशों से पूरा पश्चिमी और मध्य यूरोप भीड़, गुटों, समूह और गिरोह में तब्दील हो गया। लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए समर्थकों ने धर्म विरोधियों को पवित्र भूमि से बाहर ढकेलने का काम शुरू कर दिया। यहां तक कि बच्चों ने भी संघर्ष में हिस्सा लिया। लोगों में कुछ ऐसा जुनून था कि व्यक्ति गृहस्थ प्रेम के मोह से ऊपर उठ गया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों बच्चों को जान गंवानी पड़ी। 18वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड में साउथ सी कंपनी की स्थापना की गई।
इस कंपनी की स्थापना के बाद ब्रिटेन की जनता शेयर बाजार की ओर आकर्षित हुई। साउथ सी कंपनी का शेयर जनवरी से मई तक 128.5 अंकों से बढ़कर 550 अंकों के आंकड़े तक पहुंच गया। जुलाई में एक लंबी छलांग लगाते हुए शेयर ने 1000 अंकों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक को पार कर लिया। कंपनी के करीब 50 लाख शेयर वास्तविक कीमत से ज्यादा कीमत पर बेचे गए। इस दौरान बहुत मोटा मुनाफा कमाया गया। शेयरों में रकम निवेश करने की होड़ ने दंगों का रूप ले लिया। सैकड़ों गिरोह तैयार हो गए। शेयर धारकों ने मुनाफा बटोरने के लिए जमकर शेयर बेचे। मुनाफा बटोरने की भेड़ चाल में पूरा ब्रिटेन शामिल हो गया। इस हड़बड़ी में निवेश का माहौल बिगड़ गया और कुछ ही समय में कंपनी का शेयर 880 अंक लुढ़क गया। साउथ सी कंपनी के शेयरों में अचानक गिरावट से निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए। अमेरिका में सोने में निवेश की होड़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुनाफा बटोरने का जज्बा लोगों पर इस कदर हावी हो गया कि अमेरिका में सन 1913 में दंगे फसाद हो गए, जिसमें 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भीड़ के मार्गदर्शन के लिए नेता का होना आवश्यक है। भीड़, गिरोह या जनसमूह के मार्गदर्शन के लिए नेता का अस्तित्व निर्णायक स्थिति को जन्म देता है। नेता के नेतृत्व में लोग संगठित होते हैं। भीड़ नेता की सलाह के मुताबिक कार्य करती है। नेता के बिना भीड़ किसी निर्णय तक नहीं पहुंच सकती। भीड़ में विवाद पैदा होने की संभावना बहुत अधिक होती है, लेकिन किसी मजबूत नेतृत्व के द्वारा भीड़ को विकास, कल्याण और उत्थान के कार्य के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जन समूह अपने नेता की हर सलाह के प्रति समर्पित होता है। कई मामलों में तो जन समूह ने नेता की सलाह के सामने सरकारी नीतियों और नियमों तक का बहिष्कार किया है। युद्ध के दौरान नेताओं से प्रभावित गुटों ने उम्मीद से ज्यादा साहस का प्रदर्शन करते हुए एक सेकंड में 14 गोलियां दागने तक का कीर्तिमान हासिल किया है। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है। भीड़ की रचना किस प्रकार होती है? आज के सामाजिक ढांचे में भीड़ का महत्व सर्वोपरि है। ये एक ऐसी समस्या है जिसकी या तो निंदा होती है या प्रशंसा। इसके प्रभाव को समझना बहुत आवश्यक है। भीड़ की भावनाओं को एकजुट करना आसान नहीं होता। हर वक्ता इस समस्या का निवारण बुद्धि विवेक से निकालता है। भीड़ जुटाने में सक्षम नेता की ख्याति बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती है। वक्ता का कथन जन समूह के लिए सर्वमान्य हो जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनता की विचारधारा और जरूरतों को एकजुट करना पड़ता है। जनता की भावनाओं को प्रेरित करना पड़ता है। जनता की इच्छा से ज्यादा महत्व इच्छा के कारण का होता है। कारण को जानने के बाद उद्देश्य की पूर्ति करना आसान हो जाता है। जनता की भावनाओं को प्रोत्साहित किए बिना जनता को प्रभावित नहीं किया जा सकता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मिस्र की कला पर दिए गए भाषण ने भारी भीड़ जमा करने का काम किया था? सन 1914 में गृह नियम कानून से संबंधित चर्चा, वाद विवाद और भाषणों की लंबी श्रृंखला ने भारी जन समूह को अपनी ओर आकर्षित किया था। समान विचारधाराओं के लोगों को एकजुट करने के लिए जनता की आम जरूरतों, महत्वाकांक्षाओं, भय के कारणों और भावनाओं से संबंधित ऐसा संदेश तैयार करना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला शामिल हो। किसी एक व्यक्ति की विचारधारा आम जनता की विचारधारा को बदलने का सामर्थ्य रखती है। एंटोनी ने सीजर के पतन को केवल रोम की जनता का पतन नहीं बताया, बल्कि पूरी सृष्टि का पतन घोषित किया। यह मेरा या आपका नहीं, बल्कि विश्व का पतन है। यह खूनी राजद्रोह हम सबके सिर पर मंडरा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट आम तौर पर भावनाओं को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार दर्शक संगठित होते हैं। दर्शकों के समर्थन का अनुमान तालियों की गूंज से होता है। रंगमंच पर इकट्ठी भीड़ ने कई गानों पर ताली बजाई और फिर एक स्कर्ट के विज्ञापन पर कुछ लोगों ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। दिलचस्प है कि बाकी लोगों ने भी विज्ञापन में मौजूद हास्य को समझे बिना ही हंसना शुरू कर दिया। लेकिन जब लोगों को हास्य के कारण की जानकारी हुई तो वे अपनी मूर्खता पर हंसने लगे। इस प्रकार पूरा रंगमंच कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
कई बार कलाकार बोले गए संवाद पर उंगलियों को चटकाते हुए हंसता है। पहली पंक्ति में बैठे कुछ दर्शक इस अंदाज पर खिलखिला उठते हैं और इसके बाद थिएटर में उपस्थित बाकी दर्शक खुद ब खुद हंसने लगते हैं। वक्ता के लिए इन सभी सिद्धांतों को समझना बहुत आवश्यक होता है और वही वक्ता अपनी अलग पहचान कायम करने में सफल होता है जो इन सिद्धांतों का महत्व समझ सके। मंच पर कपट नहीं किया जा सकता। दर्शक देर सवेर वक्ता की वास्तविक प्रतिभा को जान ही जाते हैं। सच्चे नेता और ढोंगी के बीच कार्य प्रणाली एवं अंदाज नहीं बल्कि सिद्धांतों का अंतर होता है। महान से महान वक्ता में जनता की वास्तविक भावनाओं को समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मंच पर छल कपट से दर्शकों को आकर्षित नहीं किया जा सकता। इसके लिए वास्तविक प्रतिभा आवश्यक होती है। आपस में बटे दर्शकों में उत्साह की लहर उत्पन्न करने के लिए दर्शकों की पसंद के मुताबिक अलग अलग विचार प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। दर्शकों को एक मत जन समूह में परिवर्तित करने के लिए एक मजबूत विचारधारा की आवश्यकता होती है। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सभी दर्शक एक दूसरे के आसपास बैठे हों। बिखरे हुए दर्शकों के गुटों को संगठित करना मुश्किल होता है। रोम के सेंट पीटर में जमा हुई लाखों समर्थकों की इधर उधर बिखरी भीड़ को स्वयं ईसा मसीह से संबंधित भाषण के द्वारा भी एकजुट नहीं किया जा सका था। भावनाओं से प्रेरित सार्वभौमिक विचार भीड़ को इकट्ठा करने का काम करते हैं। उदाहरणतः स्वतंत्रता, चरित्र, पवित्रता, शौर्य, भाईचारा, परोपकार, देश और जननायक। जॉर्ज कोहान ने हास्य नाटकों में झंडे के गुणगान से संबंधित गाने को जोड़कर नाटकों में चार चांद लगा दिए थे। इस प्रयोग से कोहान को काफी मुनाफा भी हुआ था। क्रॉमवेल की सेना युद्ध से पहले प्रार्थना करती थी एवं नारों के साथ दूसरी सेना पर हमला करती थी। सन 1914 में फ्रांस की सेना ने अलग अलग मोर्चों पर एक निश्चित गीत के साथ जर्मन सेना पर आक्रमण किया। ऐसा महसूस होता था कि हर मोर्चे पर अलग टुकड़ियां नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति हमला कर रहा हो। इस प्रकार के प्रयोगों से भावनाओं को जन्म दिया जाता है, सैनिकों में उत्साह प्रज्वलित किया जाता है। यकीनन उत्साह से भरपूर सेना की ताकत दोगुनी हो जाती है। अध्याय 26, पंख वाले घोड़े की सवारी। विचार करना और महसूस करना मानव की बौद्धिक शक्ति के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। इन तत्वों से तर्क और कल्पना की योग्यता का उदय होता है। इसाक डिज़राइली, कल्पना मार्गदर्शन का स्रोत होती है। समझ से परे की चीजों का व्याख्यान लेखक की कलम करती है। लेखक की कलम विचारों को आकार देती है, उसमें जान फूंकती है, विचारों को स्थान विशेष से जोड़ती है, उसे नाम देती है। शेक्सपियर। जीवन की उपयोगिता का अध्ययन करने वाले बुद्धिजीवी अक्सर साधारण और प्रमाणित विचारों से आगे सोचते हैं। इन लोगों के विचार कल्पना से प्रेरित होते हैं। इनकी सहन शक्ति अतुल्य होती है। एमर्सन ने कहा है कि विज्ञान को नहीं मालूम कि वो कल्पना का किस स्तर तक ऋणी है। इस महान विचार को किसी साहित्यकार या कवि के विचार मानकर अनदेखा किया गया, लेकिन नेपोलियन का जनता को संगठित करने के उद्देश्य से कहा गया वाक्य मानव जाति का विकास कल्पना के आधार पर हुआ है सटीक माना गया। याद रहे, मानसिक छवि तैयार करने में मस्तिष्क के एक हिस्से का महत्व पूरे मस्तिष्क से ज्यादा हो सकता है। यह भी सही है कि मस्तिष्क के इस हिस्से को अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि मस्तिष्क के इन हिस्सों और पुर्जों की पहचान कैसे की जाए। कैसे पहचाना जाए कि इंसान को खुश रखने और मानवता की भलाई में किस हिस्से को प्रयोग में लाया जाता है। इसकी जानकारी के लिए अध्याय में आगे की जाने वाली चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। एक, कल्पना क्या है। परिभाषा पर ध्यान न देकर हम ये समझते हैं कि हर व्यक्ति में कल्पना शक्ति भिन्न होती है, लेकिन कल्पना वास्तव में है क्या। मानसिक शक्ति के द्वारा किसी विचार को आकार देने की प्रतिभा को कल्पना माना जाता है। कल्पना से संबंधित विचार वास्तविक रूप से प्रकृति का हिस्सा होते हैं या फिर मात्र कल्पना होती है, अर्थात ऐसी कल्पना जिसके अस्तित्व का कोई प्रमाण ही उपलब्ध नहीं है।
इसके अलावा कल्पना इन दोनों स्थितियों का मिश्रण भी हो सकती है। ये वास्तविक या आध्यात्मिक भी हो सकती है। विचारों के माध्यम से उत्पन्न कल्पना न्याय संगत भी हो सकती है और न्याय विरोधी भी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कल्पना विचार की एक प्रक्रिया है। ये पूर्ण रूप से बौद्धिक योग्यता पर आधारित नहीं होती। इसे हमें कुछ इस प्रकार से समझना होगा। एक, कल्पना की पुनरुत्पत्ति। सुनने, समझने, चखने, सूंघने जैसी क्रियाओं में एक संवेदना का अनुभव होता है जिसके माध्यम से हम परिणाम तक पहुंचते हैं, लेकिन इस संवेदना की पुनरुत्पत्ति बिना माध्यम के नहीं की जा सकती। इसके विपरीत काल्पनिक स्थिति की पुनरुत्पत्ति समान स्पष्टता के साथ की जा सकती है। इस प्रश्न का अध्ययन करने वाले वक्ताओं के लिए सबसे बड़ी उलझन ये है कि क्या सभी लोगों में कल्पना शक्ति समान होती है? यदि नहीं, तो इसकी क्या वजह है? कविता के संदेश और भावना को समझने में अयोग्य व्यक्ति कवि नहीं बन सकता। इसके विपरीत कल्पना की अतुल्य क्षमता रखने वाले कई ऐसे भी लोग हैं जो इस प्रतिभा का महत्व ही नहीं समझते और इसे व्यर्थ मानते हैं। इन लोगों के लिए सलाह है, कल्पना की प्राकृतिक प्रतिभा को जागृत करने की कोशिश करें। इस प्रकार प्रतिभा से संबंधित कई गूढ़ सवालों का हल निकल सकता है। केवल ये जानने की आवश्यकता है कि कल्पना का परिणाम कितना हितकारी और विश्वसनीय है। फ्रांसिस गिल्टन ने कहा है, फ्रांसीसी लोगों में कल्पना की असीम शक्ति है। बड़े बड़े समारोह की भव्यता और निपुणता फ्रांसीसी लोगों की कल्पना के सबसे बड़े उदाहरण है। इसके अलावा कल्पना शक्ति के विशेष प्रभाव का आकलन फ्रांस की असाधारण नीति और कूटनीतियों से किया जा सकता है। इसी कड़ी में फ्रांस का तकनीकी विकास भी एक महान उदाहरण है। प्रशिक्षण के लिए कल्पना के अति महत्वपूर्ण 6 सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मस्तिष्क में इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। कल्पना शक्ति का सबसे आम सिद्धांत है ए, कल्पना के द्वारा छवि तैयार करना। पुरानी बातों को आसानी से याद करने वाले बच्चों के विषय में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे बच्चे घटनाओं की मानसिक छवि बनाने की योग्यता रखते हैं। अपने आसपास घटने वाली घटनाओं की मानसिक छवि बनाने का अभ्यास कीजिए। जाहिर तौर पर आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। इस अभ्यास से चमत्कारी तौर पर घटना के कई वर्षों बाद भी घटना से संबंधित सभी अहम पहलुओं को आसानी से याद किया जा सकता है। घटना से संबंधित स्वर, आवाज आदि की काल्पनिक छवि तैयार करना। इस विधि से भी घटना को स्पष्ट रूप से याद रखने में सहायता मिलती है। आंखें बंद कीजिए और सब कुछ भूलकर पहाड़ियों से टकराती हवा की आवाज पर ध्यान केंद्रित कीजिए। रस्सी की क्षमता से ज्यादा वजन लटकाने से धीरे धीरे रस्सी टूटने लगती है। रस्सी टूटने की आवाज को ध्यान से सुनिए। घटना से संबंधित आवाजें निश्चित तौर पर घटना के क्रम को स्थापित करने में सहायता करती है। ई, गति से संबंधित याददाश्त को आवाज के माध्यम से बनी छवि के सिद्धांत का निकटतम प्रतियोगी माना गया है। क्या कभी आप किसी भयानक घटना, आवाज या तेज रफ्तार के भय से रात में अचानक सोते हुए उठे हैं? क्या नदी में तेज गति से बहती नाव में फंसे होने का अनुभव बार बार भयभीत करता है? क्या तेज रफ्तार से चलती रेलगाड़ी के अचानक रुक जाने की घटना अक्सर याद आ जाती है? यदि हाँ, तो यह भी निश्चित है कि किसी घटना से संबंधित असाधारण रफ्तार भी यादगार की अहम वजह हो सकती है। ई, स्वाद भी यादगार की अहम वजह होती है। बिना चखे नींबू के स्वाद की खटास का अनुभव किया जा सकता है। किसी दावत के मौके पर खाए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद कभी भी मुंह में पानी ला सकता है। इसी प्रकार किसी बेसवाद और कड़वी दवा से जुड़ी याददाश्त जायका खराब करने का काम कर सकती है। ऊ, महक से संबंधित यादगार भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी विशेष महक का अनुभव व्यक्ति को बेचैन कर सकता है। किसी स्वादिष्ट व्यंजन की जानी पहचानी खुशबू जहां मुंह में पानी भर देती है, वहीं किसी दुर्गंध का अनुभव व्यक्ति को उल्टी करने तक को विवश कर सकता है। ऊ, स्पर्श के द्वारा भी याददाश्त को ताजा किया जा सकता है। स्पर्श का अनुभव जितना करीब से होता है,
उतनी ही तेजी से याददाश्त ताजा हो जाती है। क्या किसी बच्चे के कोमल हाथों के स्पर्श ने आपकी संतान के बालपन की याद दिलाते हुए शरीर में झुरझुरी पैदा करने का काम किया है? क्या लोहे के दरवाजे को छूने से कभी करंट लगा है? यदि हाँ, तो स्वाभाविक तौर से लोहे का दरवाजा देखते ही घटना ताजा हो जाएगी और आप सचेत हो जाएंगे। याद रखने योग्य है कि इस प्रकार के तमाम अनुभव याददाश्त का हिस्सा होते हैं। कई बार तो घटना का पूरा क्रम हूबहू याद रह जाता है। क्या कभी जंगल में घूमते समय किसी शिकारी की गोली कान के पास से सर्र करती हुई निकली है? यदि हाँ, तो वो सरसराहट आप कभी नहीं भूल सकते। दरअसल असाधारण अनुभव साधारण अनुभवों के मुकाबले ज्यादा याद रहते हैं। दूसरा पॉइंट है उपयोगी एवं लाभकारी कल्पना। अब तक पेश किए गए सभी उदाहरण और प्रयोगों के जरिए कल्पना की पुनरुत्पत्ति को दर्शाया गया है। कल्पना की पुनरुत्पत्ति का अनुभव आनंददायक या फिर डरावना हो सकता है। जीवन में इन अनुभवों का बहुत महत्व होता है, लेकिन कल्पना की पुनरुत्पत्ति का महत्व स्वयं तैयार की गई उपयोगी कल्पना के मुकाबले बहुत कम होता है। स्वयं तैयार की गई कल्पना अनूठी होती है। ऐसी कल्पनाओं में नयापन होता है जो आम आदमी का मन मोह लेता है। अपने सपनों की कल्पना को आकार देने की कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से परिणाम बहुत आकर्षक होंगे। याद रहे कि आश्चर्यजनक खोजों का आधार सपने ही होते हैं। राइट बंधुओं का आसमान में उड़ने का सपना ही हवाई जहाज के निर्माण का आधार बना था। अतः साहित्यकार, लेखक, कवि, वक्ता इत्यादि सपनों के महत्व को भली भांति समझते हैं। इनके लिए हर सपना प्रेरणा का नया स्रोत होता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कल्पना मानव मस्तिष्क की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। सही उद्देश्यों से प्रेरित कल्पना जन कल्याण की नीतियों को जन्म देती है। बाल्यकाल में बच्चे का ताजा दिमाग कल्पना के माध्यम से ही विचार करता है। अतः बच्चों के विचारों की शक्ति को महत्व देना आवश्यक होता है। बच्चों में वास्तविक और अवास्तविक चीजों का भेद नहीं होता। बच्चे परी, उड़ने वाला घोड़ा, टॉफियों का शहर जैसे कई विचारों को सत्य मानते हैं, लेकिन शिक्षित एवं अनुभवी व्यक्ति आसानी से वास्तविकता और अवास्तविकता के भेद को समझ जाते हैं। बच्चों के बाधा रहित विचारों का बहाव बिना ईंधन से चलने वाले पानी के जहाज की कल्पना कर सकता है, लेकिन शिक्षित व्यक्ति जहाज बनने की वैचारिक प्रक्रिया में सभी पहलुओं पर ध्यान देता है और इस प्रक्रिया में मौजूद कठिनाइयों से हतोत्साहित होकर कल्पना को ठंडे बस्ते में डाल देता है। शतरंज का खेल योद्धाओं की रणनीति, ज्यामितीय सिद्धांत, व्यापारिक योजनाएं, कारखाने में फिजूल खर्ची घटाने का विचार, किसी महान नाटक की निंदा, आर्थिक बाधा से निपटने की युक्ति, उत्तम कविता की रचना और दर्शकों को प्रभावित करने की योजना उचित कल्पना के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। फसल में केवल बीज देखने वाला किसान अन्न का उत्पादन नहीं कर सकता। केवल कल्पना की पुनरुत्पत्ति की योग्यता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। स्वयं के विचार और कल्पना ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्या है, इस सोच के मुकाबले क्या हो सकता है, यह विचारधारा ज्यादा कारगर होती है। 2. भाषण के दौरान कल्पना का उपयोग। इस अध्याय में कल्पना से संबंधित चर्चा से स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार वक्ता कल्पना शक्ति के इस्तेमाल से दर्शकों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इस प्रतिभा के उपयोग की जानकारी कराना आवश्यक है। 1. भाषण के दौरान कल्पना का उपयोग। भाषण तैयार करते वक्त दर्शकों की उपस्थिति की कल्पना कीजिए। हालांकि ऐसा करने में निराशा हावी हो सकती है, लेकिन आत्मविश्वास के माध्यम से निराशा पर काबू पाया जा सकता है। भाषण तैयार करते वक्त दर्शकों की संख्या, मंच की भव्यता, दर्शकों के शैक्षिक स्तर, स्वभाव, भाषण के उपलक्ष्य और बाकी वक्ताओं की उपस्थिति की जानकारी हो तो जाहिर तौर पर भाषण को परिस्थिति के मुताबिक ढाला जा सकता है। भाषण के सभी हिस्सों को तैयार करते वक्त भाषण की संपूर्णता को सदा याद रखें। भाषण के किसी भी हिस्से में मामूली सा फटकाव भाषण के प्रभाव को नष्ट कर सकता है।
इसके अलावा भाषण में प्रस्तुत किए जाने वाले विचारों का क्रम सही एवं सटीक होना चाहिए। ई, भाषण के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली भाषा शैली का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषा का चयन दर्शकों के मुताबिक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अति शिक्षित दर्शकों के समक्ष इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का इस्तेमाल छात्रों के बीच नहीं किया जा सकता। याद रहे कि कल्पना शक्ति से भाषण में विविधता आती है। यदि भाषण में ताजा उदाहरणों और सुझावों की कमी है तो भाषण बिना फूल के बगीचे जैसा नीरस हो जाएगा। ओ हेनरी की कथा द हार्बिंजर में इस्तेमाल किए गए ताजेपन और वाक चातुर्य पर ध्यान दीजिए। उदासीन मौसम के बीच जब देहाती इलाकों में वसंत ऋतु की आहट को महसूस किया जाता है, उस वक्त शहरी जीवन में हरियाली की कल्पना तक नहीं की जाती। शहरी व्यक्ति उस नाश्ते की मेज पर अंडे और डबल रोटी का स्वाद ले रहा होता है। चार दीवारी के बीच उसे मौसम में बदलाव का एहसास तक नहीं होता। अखबार के पन्ने पलटते वक्त कहीं लिखा दिखता है कि वसंत आने वाला है, लेकिन अफसोस, इसका एहसास उसे तब भी नहीं होता। बहुत तीक्ष्ण ज्ञानेंद्रियां ही वसंत ऋतु की आहट महसूस कर सकती हैं। साधारण व्यक्ति को इसका एहसास नहीं होता। इस समस्या के निवारण के लिए एसोसिएट प्रेस ने एक युक्ति तैयार की है। हेक्नसेक में लाल गले वाले एक पक्षी का कुंजन, बैनिंगटन में चिनार के वृक्षों का लहराना, साइरेक्स की मुख्य सड़कों पर घास की उपज, नीलकंठ का चहचहाना, बत्तखों और हंसों के बीच उत्तेजना, सेंट लुइस का सालाना तूफान, जंगली हंसों का सालाना आवागमन, दवा विक्रेताओं का मलेरिया की दवाओं की कीमतों को बढ़ाने की कोशिश करना, किसी ऊंचे वृक्ष पर बिजली का गिरना, मौज मस्ती के लिए बाहर से आए लोगों का जमावड़ा, नदियों में जमी बर्फ का चटकना और घास के मैदानों में बैंगनी फूलों के खिलने को वसंत ऋतु के आने की आहट के तौर पर जाना जाने लगा है। शहरी लोगों के लिए ये संकेत वसंत ऋतु के आगमन की पहचान करवाते हैं, जबकि किसानों को इन संकेतों की जरूरत नहीं होती। वो तो हवा में बदलाव से ही वसंत के आगमन को भांप लेते हैं। मौसम में बदलाव के ये सभी बाहरी संकेत हैं, असल संकेत तो मन से महसूस किए जाते हैं। स्टीफन के लिए कोला और माइक के लिए मैगी खाने की इच्छा ही वसंत का आगमन होती है। किसी लेखक ने कहा है कि आज के दौर में शहरी लोगों के लिए अखबार वसंत ग्रामीण लोगों की जानकारी से पहले ही ले आते हैं। पुराने समय में प्रेम की लालसा का भाव वसंत के आगमन का संकेत हुआ करता था। दो, भाषण के दौरान कल्पना। भाषण के दौरान बोलने की धुन सवार होने लगे, बोलने में स्वाभाविकता और सरलता महसूस होने लगे, तो मान लीजिए कि अब लोहा गर्म है। ऐसे मौके पर प्रभावी विचार बहुत आकर्षक हो जाता है। दिलचस्प है कि ऐसे मौके पर कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में ध्यान रहे, पुराने भावों को याद करें तथा इसके अलावा कुछ और न सोचें। कलाकार संवाद को दोहराते वक्त पुराने भावों को प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। इसी प्रकार वक्ता को भी इस कला में निपुण होना चाहिए। आ, विचार से संबंधित दृश्य को वास्तविक रूप में याद करना चाहिए। ई, दृश्य की बारीकियों को याद कीजिए और प्रस्तुतिकरण के दौरान स्वरों के उतार चढ़ाव का ख्याल कीजिए। इस प्रकार व्याख्यान के प्रभाव में समानता बनी रहेगी। शराब से घर बर्बाद होता है, ऐसे उदाहरणों को सामान्य तौर पर पेश मत कीजिए। इस उदाहरण को प्रभावशाली बनाने के लिए शराब के कुप्रभावों पर रोशनी डालिए, जैसे शराब से पैसों और सेहत की बर्बादी होती है। शराब के नशे में व्यक्ति घर पर लड़ाई करता है, गाली गलौज करता है और बच्चों को बिना वजह मारता है। इसी प्रकार युद्ध की क्रूरता के व्याख्यान के लिए सैनिकों के कटे हाथ पैर, घायल सैनिकों का पानी के लिए कराहना, सैनिकों की लाश पर विधवाओं का विलाप और बच्चों की असहाय हालत का चित्रण करना चाहिए। ऐसे मौकों पर सामान्य बोलचाल की विधि प्रभावशाली नहीं होती, घटना का भावात्मक चित्रण करने की आवश्यकता होती है। चित्रण कुछ ऐसा होना चाहिए कि दर्शक आसानी से व्याख्यान के जरिए खुद चित्रण कर सके। इस प्रकार दर्शक सीधे वक्ता के भावों से जुड़ जाते हैं। तीन,
कल्पना के अभ्यास की कला अर्जित करना। उस अमेरिकन राजनेता की बात जरूर याद होगी जिसने कहा था, किसी कार्य को पुनरारंभ करने के लिए उसे पुनः आरंभ करने की ही आवश्यकता होती है। इस सिद्धांत का प्रयोग स्पष्ट होता है। इस अध्याय की साधारण समीक्षा से शुरुआत कीजिए। स्वयं की कल्पना शक्ति का आकलन कीजिए। एक एक कर कई प्रकार की कल्पनाओं का अभ्यास कीजिए। इसके बाद घटना की वजहों को कल्पना में शामिल कीजिए। कई कल्पनाएं बहुत उलझी हुई होती हैं, जैसे कई आवाजों का मिश्रण, लोगों की ज्यादा तादाद, एक के बाद एक तेजी से घटने वाली घटनाएं व हादसे इत्यादि। ऐसी स्थिति में स्पष्टता की ओर जाने की कोशिश कीजिए। कल्पना की पुनरुत्पत्ति के अभ्यास के बाद स्वयं कल्पना का अभ्यास कीजिए। कल्पना के सभी पहलुओं का ताना बाना बुनने का अभ्यास कीजिए। सभी उलझनों को दूर करने की प्रतिभा का विकास कीजिए। इसी के साथ खुद को आंकड़ों की भाषा बोलने में निपुण बनाइए। किसी घटना को अलग नजरिए से समझने और उसका सही आकलन करने का अभ्यास कीजिए। निष्कर्ष ये है कि इससे पहले कल्पना व्यक्ति पर हावी हो, अभ्यास के द्वारा व्यक्ति को कल्पना शक्ति पर हावी हो जाना चाहिए। अध्याय 27, शब्दकोश का विकास। पतंग उड़ाते वक्त लड़के सफेद पंखों की चिड़ियों को चुनौती देते हैं, लेकिन शब्दों की बौछार के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता। आग से चौकन्ना रहना चाहिए। हम जानते हैं ये अच्छी सलाह है। शब्दों को ध्यान से चुनिए, ये 10 गुना ज्यादा अच्छी सलाह है। विचारों को प्रकट न करने से संभवतः धीरे धीरे उनका अंत हो सकता है, लेकिन मुंह से निकले शब्दों का अंत स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकता। विल कार्लेटन। शब्दकोश एक सामान्य शब्द है, लेकिन इसका विशेष महत्व होता है। रोजमर्रा की भाषा में शब्दकोश के अधिकतर शब्दों का उपयोग किया जाता है और इन्हीं शब्दों के उपयोग से नए शब्दकोश का विकास होता है। उपयोग के आधार पर विकसित शब्दों का विशेष महत्व होता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका उपयोग अन्य भाषाओं में भी किया जाता है, और वहां भी इनका उपयोग विशेष महत्व को दर्शाने के लिए ही होता है। इस प्रकार दर्शकों के समक्ष भाषण प्रस्तुत करने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति किसी कवि, साहित्यकार, लेखक, वैज्ञानिक या दार्शनिक से कम नहीं होता। ये लोग सामान्य तौर पर शब्दों के कोश को बढ़ाते रहते हैं। ये लोग शब्दों के ऐसे समूह का विकास करते हैं जिससे किसी विशेष स्थिति को समझने और समझाने में सरलता होती है। प्रभावशाली वक्ताओं पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि वक्ताओं को शक्ति, व्यापकता, विस्तार, रफ्तार, हरकत, रंग, ऊर्जा इत्यादि का भाव दर्शाने वाले शब्दों से ज्यादा लगाव होता है। वक्ता विभिन्न भावनाओं को दर्शाने वाले शब्दों का प्रयोग भी पसंद करते हैं। वक्ता व्याख्यान करने वाले शब्द, संज्ञा के साथ उपयोग में आने वाले गुणवाचक शब्द और उपयुक्त उपाधि दर्शाने वाले शब्दों का स्वतंत्रता से इस्तेमाल करते हैं। नोट्स बनाने की आदत। शब्द की पूर्णता समझने के लिए 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। शब्द के विशेष और विस्तृत अर्थ को समझना, अन्य शब्दों के साथ के संबंध को समझना और शब्द के उचित उपयोग को समझना। जब किसी शब्द के जाने पहचाने उपयोग को किसी अनजाने भाव के साथ सुना जाता है तो उसे कहीं लिख लेना चाहिए और उसके विशेष उपयोग को गहराई से समझना चाहिए। उन वक्ताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए जो निरंतर शब्दकोश का विकास करते रहते हैं और हर नए शब्द के प्रति जिज्ञासा रखते हैं। नए शब्दों को जानने और समझने की जिज्ञासा से शब्दकोश में निरंतर वृद्धि होती है। किसी भी नए शब्द का 5 बार प्रयोग कीजिए, निश्चित तौर पर शब्द आपका हो जाएगा। प्रोफेसर ई हैनकॉक ने कहा है, लेखक का शब्दकोश 2 प्रकार का होता है, सक्रिय और गुप्त। गुप्त शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ लेखक भली भांति समझता है, जबकि सक्रिय शब्दों को लेखक सरलता से व्यक्त करता है। हर कुशल व्यक्ति को इस्तेमाल में लाए जाने वाले सभी आवश्यक शब्दों की जानकारी होती है, लेकिन मौके पर इन शब्दों को याद करना आसान नहीं होता। गुप्त शब्दों को सक्रिय तौर पर इस्तेमाल करने की कला अभ्यास से आती है।
अर्थात सक्रिय शब्दकोश को विशेष तौर पर तैयार करने की आवश्यकता होती है। कॉलेज मैगजीन के लिखे गए निबंध के एक अध्याय याददाश्त और चित्रण में स्टीवेंसन ने बखूबी दर्शाया है कि किस प्रकार शब्दों की नकल का अभ्यास खुद के अंदाज में तब्दील हो जाता है। उन्होंने खुद के साहित्यिक अंदाज विकसित होने का उदाहरण दिया है। स्टीवेंसन के अनुसार शब्द अंदाज विकसित करने के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। ये उदाहरण वक्ताओं के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। शब्दों का तुलनात्मक भाव शब्दों के अर्थ से ज्यादा महत्व रखता है। जब भी मैं किसी पसंदीदा किताब या किताब के ऐसे अंश को पढ़ता हूँ जिसके संदेश का औचित्य स्पष्ट होता है या स्पष्टता का अभाव होता है अथवा फिर विशेष अंदाज होता है, तो मैं कुछ देर के लिए बैठ जाता हूँ और उस अंदाज को खुद में उतारने का अभ्यास करता हूँ। मैं कई बार नाकाम रहा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश कभी नहीं छोड़ी। मैं कोशिशों के बावजूद नाकाम रहा हूँ। कई बार तो मुझे नाकामी के अलावा कुछ हासिल ही नहीं हुआ, लेकिन नाकामी भी कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है, कुछ ऐसा जो कामयाबी नहीं सिखा सकती। अतः मैंने हेजलेट, लैम्प, वर्ड्सवर्थ, सर थॉमस ब्राउन, हॉथरोन और मॉन्टेगनी की नकल उतारना सीखने वाले वानरों की तरह परिश्रम किया है। पसंद आए या ना आए, लेकिन सीखने का मूल मंत्र तो यही है, चाहे फायदा मिले या ना मिले। सीखने का एकमात्र रास्ता तो यही है। यही वो तरीका है जिससे कीट्स ने सीखा, और इसमें कोई दो राय नहीं कि साहित्य के लिए कीट्स से बेहतर और कोई नजरिया हो ही नहीं सकता। शब्दकोश संग्रह का उपयोग। किसी शब्द के अर्थ की जानकारी के लिए केवल सामान्य ज्ञान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। गहन अध्ययन के द्वारा शब्दकोश के महत्व और इस्तेमाल पर निपुणता हासिल करनी चाहिए। शुरुआती दौर में भाषा का बहाव तुच्छ प्रतीत हो सकता है, लेकिन भाषा की शुद्धता को हमेशा सराहा जाता है। शब्दकोश पुस्तिका में शब्द विशेषज्ञों का ज्ञान छुपा होता है। महान लेखक शब्दकोश पुस्तिका के महत्व की उपेक्षा नहीं करते और न ही शब्दों की सर्वमान्य परिभाषा पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा पर्यायवाची और विलोम शब्दों से संबंधित पुस्तक का सावधानी से अध्ययन कीजिए। भाषा में शब्दों के सटीक पर्यायवाची कई बार ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। चोर, चूक, गबनकर्ता, धोखेबाज, लुटेरा, डाकू, समुद्री डाकू जैसे शब्दों में छिपे भावों की बारीकियों पर ध्यान दीजिए। या फिर यहूदी, जीव और इस्राइल वासी शब्दों के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। याद रहे, शब्दकोश पुस्तिका के बिना पर्यायवाची पुस्तक का कोई महत्व नहीं होता। डॉक्टर फ्रांसिस ए मार्च द्वारा लिखित अंग्रेजी भाषा का थिसोरस विस्तृत जरूर है, लेकिन इसमें पूर्णता और प्रभुत्व शामिल है। बाजार में पर्यायवाची और विलोम शब्दों से संबंधित पुस्तकों की भरमार है, अतः ध्यान रखें कि सटीक एवं प्रमाणित लेखक की पुस्तक ही चुनी जाए। भाषा को जोड़ने वाले शब्दों की जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। भाषण देते वक्त और, अथवा, कब, जब, तब, अर्थात इत्यादि शब्दों के गलत इस्तेमाल से बहाव टूट जाता है। शब्दों के उचित इस्तेमाल से प्रभाव बढ़ता है। दुनिया की सभी भाषाओं के शब्दकोशों का निरंतर विकास हो रहा है। सभी भाषाओं में विदेशी शब्द सम्मिलित किए जाते रहे हैं और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। दरअसल इसी प्रकार भाषा का विस्तार होता है। मुहावरों और कहावतों से संबंधित पुस्तक के अध्ययन से ज्ञात होगा कि आज की भाषा शैली में किस प्रकार संदेश के अर्थ को अनर्थ में तब्दील कर दिया गया है। अर्थात भाषा से संबंधित सभी शैलियों का गहन अध्ययन आवश्यक होता है। शब्दों के अर्थ की जानकारी रखने वालों से चर्चा। भाषण शैली में आमतौर पर रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार दर्शकों से संबंध स्थापित करना आसान हो जाता है। अतः वक्ता को भाषा और शब्दों की जानकारी रखने वाले बुद्धिजीवियों के संपर्क में रहना चाहिए। किसी शब्द के महत्व पर किया गया वाद विवाद निसंदेह सकारात्मक परिणाम पर खत्म होता है। ऐसे वाद विवादों से शब्द की बारीकियों की जानकारी मिलती है। शब्दों के अर्थ को गहराई से समझने वाले वक्ता के व्यक्तित्व में वजन स्वाभाविक तौर पर महसूस होने लगता है।
सटीक शब्द खोजने में ईमानदारी बरतनी चाहिए। पुस्तक के गहन अध्ययन से पुस्तक का महत्व 3 गुना बढ़ जाता है। शब्दकोश को रोजाना दिए गए 10 मिनट चमत्कार कर सकते हैं। फ्लॉबर्ट ने कहा है, मैं अपनी लेखन शैली से चिड़चिड़ा होने लगा हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो संगीत का आनंद तो उठा सकता है, लेकिन वायलिन पर संगीत पैदा नहीं कर सकता। मैं मस्तिष्क में धुन तो सोच सकता हूं, लेकिन वास्तव में बजा नहीं सकता। दरअसल धुन तैयार करने का सामर्थ्य मुझमें है ही नहीं। इस प्रकार बेचारे की आंखों से आंसू टपकने लगे और हाथ से वायलिन नीचे गिर गया। फ्रांस के इसी विद्वान पुरुष ने यह भी कहा था, व्यक्ति जो भी कहना चाहता है या जो भी भाव व्यक्त करना चाहता है, उसे व्यक्त करने के लिए कोई न कोई शब्द जरूर होता है। किसी एक क्रिया से उसका चित्रण किया जा सकता है। केवल एक गुणात्मक शब्द उसे परिभाषित कर सकता है। आवश्यकता है कि उस शब्द की खोज की जाए। ऐसे शब्द की खोज तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। वॉल्टर सेवेज लैंडोर ने लिखा है, मुझे गलत शब्दों से नफरत है। शब्दों का इस्तेमाल बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। गलत शब्द बोलने के मुकाबले चुप रहना ज्यादा अच्छा होता है। जेम्स एस बेरी ने अपने उपन्यास का शीर्षक उपन्यास के नायक टॉमी के नाम पर रखने का फैसला किया। उन्होंने लिखा कि उपन्यास का नायक टॉमी लेखक की जगह शेर बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। टॉमी ने अपने एक मित्र के साथ गिरजाघर में एक दिन नामक शीर्षक पर निबंध लिखने के लिए स्कूल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो निबंध के विषय में लगातार बोलता रहा और फिर शब्दों के अभाव के कारण अचानक चुप हो गया। लगभग 1 घंटे तक वो सटीक शब्द की खोज करता रहा। तभी उसे पता चला कि निबंध लिखने का निर्धारित समय खत्म हो गया है और वो प्रतियोगिता हार चुका है। बाकी व्याख्यान बैरी की जुबानी सुनिए। निबंध? वो कोई निबंध ही नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी पेड़ के नाम पर केवल टहनी पेश की गई हो। निबंध के दूसरे पन्ने पर सब कुछ अचानक ठहर गया था। हां, ठहराव एकदम सही भाव है। टॉमी के पास निबंध को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। वो अचानक ठहर गया, जैसे कहीं बुरी तरह से फंस गया हो। शब्दों की कमी की वजह से टॉमी को जनता का तिरस्कार सहना पड़ा। कौन से शब्द? अध्यापकों ने चिड़चिड़ाहट के साथ टॉमी से सवाल पूछे, तुम किन शब्दों की खोज में अटक गए थे? लेकिन वो फिर भी नहीं बता सका। वो किसी ऐसे शब्द की तलाश में था जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि गिरजाघर में कितने लोग मौजूद थे। वो शब्द बार बार उसकी जुबान पर आ रहा था, लेकिन सभी प्रयास विफल साबित हुए। जन समूह उसके जहन में चल रहे शब्द के काफी करीब था, लेकिन फिर भी इस शब्द से उसे अपने भाव प्रकट करने में असुविधा महसूस हो रही थी। वो घंटों तक आंखें झपकाता रहा, सही शब्द की तलाश में घंटों सोचता रहा, लेकिन केवल निराशा हाथ लगी। सभी अध्यापक बहुत नाराज थे। एक अध्यापक ने चिल्लाते हुए कहा, अरे बेवकूफ, एक शब्द के लिए तुमने निबंध लिखना छोड़ दिया। जन समूह के भाव को प्रकट करने के लिए दर्जनों शब्द हैं। तुम्हें इसके अलावा कोई भी शब्द याद नहीं आया? क्या तुम जन सैलाब या? टॉमी ने तुरंत जवाब दिया, मैं जन सैलाब शब्द की ही खोज कर रहा था। कसम खाता हूं यही वो शब्द है। अध्यापक ने कहा, लेकिन जन सैलाब शब्द का इस्तेमाल गिरजाघर के लिए कैसे किया जा सकता है? जन सैलाब का मतलब है कि लोग शांति से नहीं बैठे थे, बल्कि मक्खियों की तरह इधर उधर भिनभिना रहे थे। तभी अधीरता के साथ एक अध्यापक ने कहा, इस शब्द का अर्थ सटीक हो या ना हो, यदि कोई और शब्द याद नहीं आ रहा था तो इसी का इस्तेमाल किया जा सकता था। निश्चित तौर पर निबंध लिखते समय उसी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए जो सबसे पहले दिमाग में आए। टॉमी के प्रतियोगी मैक ने फट से कहा, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। अध्यापक मिस्टर ग्लॉग ने कहा, मैक ने भारी भीड़ शब्द का इस्तेमाल किया है, जो अच्छा एवं सार्थक शब्द है। टॉमी ने फिर जवाब दिया, मैंने भी भारी भीड़ के बारे में सोचा था, लेकिन इससे महसूस होता है कि गिरजाघर में पैर रखने तक की जगह नहीं थी।
मैं किसी बीच के शब्द की तलाश कर रहा था, एक और अध्यापक ने कहा। तो फिर केवल भीड़ शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता था? टॉमी ने जवाब दिया कि भीड़ से कुछ कम लोगों का आभास हो रहा था। मूर्ख, तो फिर जनसमूह शब्द में क्या खराबी थी? नहीं, जनसमूह भी पर्याप्त शब्द नहीं है। मैं जनसमूह और जनसैलाब के बीच के शब्द की खोज में था, मिस्टर ग्लॉग ने निराशा के साथ हाथ झटकने शुरू कर दिए। वहां मौजूद प्रधानाध्यापक, जो काफी देर से टॉमी की ओर प्रशंसा के भाव से देख रहे थे, बीच में बात काटते हुए बोले, तो इसमें तो भ्रम का स्थान ही नहीं है। तुम जन सैलाब जैसी स्थिति या फिर आम भीड़ से कुछ ज्यादा शब्द समूह का इस्तेमाल कर सकते थे। वहां पर मौजूद बाकी अध्यापकों ने समर्थन के साथ कहा, हाँ क्यों नहीं, ये एकदम ठीक है। टॉमी ने जवाब दिया, लेकिन मुझे केवल एक शब्द की आवश्यकता थी। अध्यापक ग्लॉग ने कहा, किसी सही और सटीक शब्द का चयन करना आसान होता है, मुझे इसमें खास मुश्किल नजर नहीं आ रही है। टॉमी ने कहा, ऐसा नहीं है, ये उतना ही मुश्किल है जितना पत्थर से गिलहरी को मार गिराना। प्रधानाध्यापक ने टॉमी के इस तर्क का समर्थन किया। इसके पश्चात एक विचित्र घटना घटी। घर जाने से पहले अध्यापक एक बार टॉमी को कान पकड़कर कक्षा से बाहर निकाल चुका है। टॉमी ने धीरे से दरवाजा खोलते हुए कक्षा के भीतर झांका। झांकते समय टॉमी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसने उत्साह के साथ चिल्लाते हुए कहा, मुझे वो शब्द मिल गया है, वो शब्द अचानक मेरे दिमाग में आया, वो शब्द है रेला। हाँ, गिरजाघर में लोगों का रेला लगा था। टॉमी की बात सुनकर प्रधानाध्यापक प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने मन ही मन कहा था, ये छात्र लगातार सोचता रहा और अंत में सही शब्द तक पहुंच ही गया, ये छात्र किसी विद्वान से कम नहीं है। अध्याय 28, स्मरण शक्ति का प्रशिक्षण। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में सन्नाटा रहता है। हमारे विचार कई कड़ियों से जुड़े होते हैं। एक हिस्से की जागृति से हजारों विचार जन्म लेते हैं। विचार आएंगे और उड़ जाएंगे, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। जय हो, याददाश्त की जय हो, ये कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। वर्षों बाद भी याददाश्त बरकरार रहती है, पुरानी यादें ताजा होती रहती हैं। विचारों और विचार के साथ जुड़ा चिंतन कभी भुलाया नहीं जा सकता। याददाश्त पर घटना से संबंधित स्थान और समय का सदा अधिकार रहता है। सैमुअल रोजर्स। ठाकरे जैसे कई महान वक्ताओं ने भाषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों की रचना मंच से घर लौटते वक्त की है। मार्क ट्वेन ने अक्सर घटना की नजाकत का सही अर्थ घटना स्थल से निकल जाने के बाद समझा है। मौके पर सही आकलन न कर पाने की योग्यता से कई वक्ता परेशान रहे हैं। लिवरपूल में महान भाषण प्रस्तुत करने वाले वक्ता हेनरी वार्ड बीचर की सबसे बड़ी योग्यता ही ये थी कि वो कभी कुछ भूलते नहीं थे, उनकी याददाश्त सदा ताजा रहती थी। बीचर ने कहा है कि भाषण देते वक्त विषय से जुड़ी सभी घटनाएं, वाद विवाद एवं अपील याद रहती है। अतः भाषण देते वक्त बीचर उदाहरणों की झड़ी लगा देते थे। उनके मस्तिष्क में उदाहरण ऐसे पहुंच जाता है जैसे देव मंत्रों के द्वारा दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया जाता है। बेन जॉन्स अपने द्वारा लिखे गए किसी भी विचार, वाक्य, निबंध इत्यादि को दोबारा हूबहू लिखने की योग्यता रखते थे। स्केलेजर ने 3 हफ्तों में संपूर्ण इलियड कंठस्थ कर ली थी। लॉक्स ने कहा है कि बिना याददाश्त के मनुष्य एक बच्चे के समान होता है। अरस्तु ने याददाश्त को बौद्धिक शक्ति का पैमाना बताया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छी याददाश्त वक्ता के लिए वरदान समान होती है, लेकिन क्या विचार, अनुभव, पढ़ाई इत्यादि द्वारा हासिल की गई जानकारी को याद करने का अभ्यास भी किया जा सकता है? यदि हाँ तो किस प्रकार, जानने की कोशिश करते हैं। 20 साल पहले एक अनाथ बच्चे ने
न्यूयॉर्क के एक होटल में बर्तन मांजने का काम शुरू किया। इसी दौरान पढ़ने में उसकी रुचि जागृत हो गई और उसने हेनरी जॉर्ज के लेख तरक्की और निर्धनता का अध्ययन किया। इस प्रकार ज्ञान के लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो पढ़ने का आदि हो गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो पढ़ा हुआ भूल जाता है, तो उसने स्वयं ही अपनी याददाश्त बरकरार रखने का अभ्यास शुरू कर दिया। इस प्रकार वो बच्चा दुनिया का सबसे महान याददाश्त विशेषज्ञ बना। इस व्यक्ति का नाम स्वर्गीय फेलिक्स बैरोल है। बैरोल दुनिया के किसी भी शहर में रहने वाले लोगों को उनके 5,000 मूल निवास स्थानों के बारे में बताने की योग्यता रखते थे। उन्हें किसी सभा में मिले 40 लोगों का नाम याद रहता था। हैरत की बात यह है कि वे मिलने का क्रम भी याद रखते थे, यानी कौन पहले मिला, कौन 7वें, 10वें, 15वें या फिर 40वें क्रम में मिला। उन्हें इतिहास की महत्वपूर्ण तारीखें याद थी। खास है कि वो विभिन्न तारीखों का एक दूसरे से संबंध भी स्थापित कर सकते थे। याददाश्त में भ्रम के लिए जगह नहीं होती। याददाश्त का सटीक होना अत्यंत आवश्यक होता है। वक्ता के लिए याददाश्त की भूमिका अहम होती है। खास है कि याददाश्त को मजबूत करने का अभ्यास किया जा सकता है। क्या नहीं करना चाहिए? शब्दों को रट्टे द्वारा याद करने का कोई लाभ नहीं होता। इस प्रकार शब्दों का पहाड़ तैयार होता रहता है। नए शब्द याद रहते हैं, लेकिन पुराने गायब हो जाते हैं। अफसोस के विद्यालयों में भी इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। अतः किसी चीज को याद रखने का यह सिद्धांत स्वाभाविक महसूस होने लगता है, लेकिन हकीकत में इस प्रक्रिया से मस्तिष्क को हानि पहुंचती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ व्यक्ति विलक्षण बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं। ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती है, लेकिन सभी इस विशेषता के साथ जन्म नहीं लेते। निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रतिभा को अभ्यास के द्वारा हासिल किया जा सकता है। शारीरिक कष्ट और मानसिक उलझन के वक्त भी याददाश्त पर जोर डालना हानिकारक होता है। स्वस्थ शरीर ही उत्तम मानसिक क्रियाओं को जन्म देता है। अंततः परंपरागत परिपाटी और सिद्धांतों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। सामान्य तथ्यों की जानकारी और याददाश्त कार्य को सही दिशा देने में उपयोगी सिद्ध होते हैं। याद रखें कि किसी तथ्य को याद रखने के लिए 10 शब्दों को याद रखना गलत सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार घटना के क्रम को बखूबी याद किया जा सकता है। याददाश्त का प्राकृतिक सिद्धांत। किसी जानकारी या तथ्यों को याद करते वक्त मस्तिष्क को पूरी तरह उस विषय पर केंद्रित करना चाहिए। भटकाव से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। खरीदारी पर निकले लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उनसे क्या क्या लाने को कहा गया था। आमतौर पर पत्नियों को अपने पतियों से यह शिकायत होती है। इस लापरवाही की वजह कमजोर याददाश्त नहीं होती। यदि सामान की सूची को ध्यान से सुना जाए तो चूक हो ही नहीं सकती। यदि आप भी इस समस्या के शिकार हैं तो एक बार इस सुझाव को अपनाकर जरूर देखिए। एकाग्रता और ध्यान से सुनने का मतलब यह नहीं है कि मस्तिष्क की सभी शक्तियों को केंद्रित किया जाए। विचारों में भटकाव से याददाश्त पर नकारात्मक असर पड़ता है। किसी चीज को याद रखने के लिए केवल उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। याद रखें कि जरूरत से ज्यादा ध्यान देना भी याददाश्त के लिए हानिकारक होता है। आमतौर पर व्यक्ति उन्हीं विषयों पर ध्यान देता है जिनमें उसकी रुचि होती है। बाकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आमतौर पर लोग सेब के बीज के स्वरूप और आकार पर ध्यान देते हैं। गांधी जी की पुण्यतिथि भी ज्यादातर लोगों को याद है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें दोनों में से कुछ भी याद नहीं है। पेड़ की टहनी पर लगी खरोंच समय के साथ भर जाती है और उसी स्थान पर से नई शाखा भी निकल आती है, लेकिन गेटिसबर्ग के पेड़ों पर आज भी 50 साल पहले के निशान साफ दिखाई देते हैं। लापरवाही के साथ सुनी गई बात कभी याद नहीं रहती। ऐसी जानकारी जल्दी मिट जाती है। दिमाग में इसका कोई सूत्र जीवित नहीं रहता। केवल गहराई से सुनी गई जानकारी को ही इच्छानुसार याद किया जा सकता है। हेनरी वार्ड बीचर ने कहा है, सपनों में बिताए गए वर्षों के मुकाबले जीवन का एक भावुक क्षण ज्यादा स्पष्ट तौर पर याद रहता है। ध्यान से सुनिए,
जानकारी जरूर याद रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि ध्यान को किस प्रकार केंद्रित किया जाए, किसी योद्धा की युद्ध कला को किस प्रकार निखारा जाता है। एक कारगर तरीका यह है कि सैनिक की बंदूक और गोलीबारी की तादाद को बढ़ा दिया जाए। इसी प्रकार किसी जानकारी को याद रखने के लिए ध्यान ज्यादा केंद्रित करना चाहिए, जानकारी पर बार बार विचार करना चाहिए। लापरवाही से पढ़ने की आदत याददाश्त को नुकसान पहुंचाती है। विषय में रुचि न होने के बावजूद ध्यान से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इस अभ्यास से याददाश्त मजबूत होती है। माहौल से भी ध्यान केंद्रित करने में सहायता या असहायता मिलती है। ज्यादा शोर शराबे में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है, अतः भीड़ में खुद को अकेला समझने का अभ्यास कीजिए। यकीन मानिए ये मुमकिन है। किसी विषय को सुनते या पढ़ते वक्त दिमाग में चल रही बाकी सभी उलझनों को दूर करने का अभ्यास कीजिए। अगला महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दीजिए और उन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। सभी तथ्यों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर स्पष्टता के साथ विचार कीजिए, एक के बाद एक तथ्य पर ध्यान दीजिए। विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को क्रमानुसार याद रखने का अर्थ है कि आप इस कला में निपुण होने लगे हैं। याददाश्त की प्रक्रिया में तथ्यों का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। याददाश्त बढ़ाने के अभ्यास में यह सिद्धांत सर्वोपरि है। कुछ वक्ता केवल भाषण के मुख्य बिंदुओं को याद करते हैं और भाषण के दौरान मुख्य बिंदुओं को शब्दों से भर देते हैं। कुछ वक्ता मुख्य बिंदुओं से संबंधित विचारों के क्रम को याद करते हैं। इसके अलावा कुछ वक्ता विचारों के क्रम को याद रखने के लिए मंच के आसपास मौजूद चीजों के साथ क्रम का संबंध स्थापित कर लेते हैं। संभव है कि भाषण के दौरान विचारों का क्रम बिगड़ जाए। मानकर चलिए कि क्रम में तीसरा विचार नाकामी से संबंधित था। ऐसे में मंच की किसी दीवार पर बंद घड़ी से नाकामी का पहले से ही संबंध स्थापित कर चुका वक्ता इस बिंदु को याद कर सकता है। इस प्रकार संबंध स्थापित करने की कला बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाल ही में 6 प्रकार की कल्पना शक्ति, चित्र, आवाज, गति, स्वाद, खुशबू और स्पर्श के महत्व पर भाषण देने वाले वक्ता ने इस क्रम को याद रखने के लिए एक विचित्र शब्द तैयार किया, चागस खुश स्पर्श। कागज के एक पुर्जे पर लिखे इस शब्द के माध्यम से वक्ता को क्रम याद करने में बहुत सहायता मिली। इसी प्रकार बच्चों को स्पेलिंग याद कराने का अभ्यास कराया जाता है। भाषा का ज्ञान न रखने वाला कार ड्राइवर शुरू के कुछ शब्दों को याद कर लेता है और अंदाजा लगाने में माहिर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर रानी से रानी लक्ष्मीबाई रोड, गांधी से गांधी स्मारक रोड, महात्मा से महात्मा गांधी रोड। किसी महत्वपूर्ण गोल चक्कर से कटने वाले 5 एक जैसे रास्तों को याद रखने के लिए कुछ इस तरह का संबंध स्थापित किया जाता है, अ से अशोक रोड, अक से अकबर रोड, ज से जनपद, क से कस्तूरबा गांधी और ई से इंडिया गेट। इसी प्रकार निशानियों को याद रखकर भी रास्तों का पता लगाया जा सकता है। दरअसल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बहुत सरल होती है। व्यक्ति संकेतों, निशानियों, अक्षरों आदि से संबंध स्थापित कर लेते हैं, अर्थात संबंध स्थापित करने की इस प्रतिभा का लाभ उठाना चाहिए। जानकारी को बार बार दोहराने से भी याददाश्त मजबूत होती है। वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिज्ञ थर्लो वीट्स रोजमर्रा की मुलाकातों में मिलने वाले लोगों के नाम भूल जाया करते थे। इस कमजोरी से उबरने के लिए उन्होंने मुलाकात के दौरान लोगों के नाम को ध्यान से सुनना शुरू किया। यही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलने वाले लोगों के नाम पर चर्चा करने की आदत डाल ली। इसमें शक नहीं कि माननीय वीट्स के साथ नाम भूलने की समस्या बहुत गंभीर हद तक पहुंच गई थी, लेकिन इस अभ्यास के द्वारा उन्होंने इस मुश्किल पर काबू पा लिया। किसी अध्याय, विचार आदि को पढ़ने के बाद पुस्तक बंद कर देनी चाहिए और गौर से पाठ को जोर जोर से दोहराना चाहिए। ऐसा करने से याददाश्त मजबूत होती है। याददाश्त मजबूत करने के लिए एकाग्रता और जोर जोर से पढ़ने के तरीके को कई महान लोगों ने कारगर बताया है। जो आप याद करना चाहते हैं उसे लिखने की कोशिश करें। इस प्रकार पढ़ा हुआ याद करना आसान हो जाता है। यदि आप लिखने के बाद भाषण को जोर जोर से पढ़ेंगे तो
उसे ध्यान से सुनेंगे और उस पर गौर फरमाएंगे तो भाषण कंठस्थ हो जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान आवाज, लिखावट और चित्रण के जरिए याददाश्त बनाए रखने में सहायता मिलती है। कुछ लोग आवाज को सटीक तौर पर पहचानने में निपुण होते हैं। ये लोग देखी गई चीजों के मुकाबले सुनी गई आवाजों के माध्यम से घटना को याद करने में दक्ष होते हैं। यदि आप सुबह टहलने के किसी विशेष दिन को याद करते हैं तो आपको आसपास के दृश्य याद आते हैं या आवाजें? जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी याददाश्त में आवाज का ज्यादा महत्व है या दृश्य का। इन दोनों में से जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत हो उसे निखारने का अभ्यास कीजिए। किसी विचार को दिमाग में बैठाने के लिए सभी संभव विधियों का इस्तेमाल कीजिए। रोजमर्रा की आदतें भी याददाश्त को मजबूत करने में सहायक होती हैं। मैराथन में हिस्सा लेने वाले धावक से सीखिए। निरंतर व्यायाम, चाहे थोड़े ही समय के लिए क्यों न किया जाए, धावक की शक्ति को बरकरार रखता है। इसी प्रकार निरंतर अभ्यास से याददाश्त में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। राह में गुजरने वाले लोगों की वेशभूषा, अंदाज और शक्ल के विस्तार से व्याख्यान करने का अभ्यास कीजिए। अपने कमरे की बारीकियों पर ध्यान दीजिए। आंख मूंद कर कमरे की हर बारीकी का व्याख्यान कीजिए। किसी प्राकृतिक दृश्य को ध्यान से देखिए और फिर विस्तार से लेख लिखिए। ध्यान दीजिए कि व्याख्यान या लेख में आप क्या भूले और क्या याद रहा। खिड़की से सड़क की ओर झांकिए, फिर उस दृश्य को याद कीजिए। ध्यान दीजिए कि आप क्या भूल गए। निरंतर अभ्यास से याददाश्त, व्याख्यान और लेख का स्तर बढ़ता है। ऐसा अभ्यास व्यक्ति को निपुणता की ओर ले जाता है। साहित्यिक रचना के सुंदर व्याख्यानों को बार बार याद कीजिए। इस प्रकार न केवल याददाश्त बढ़ेगी बल्कि साहित्य में छुपे सुंदर शब्द और मुहावरों का भी ज्ञान बढ़ेगा। यह अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। अभ्यास की मात्रा कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, महत्व केवल निरंतर अभ्यास का होता है। अंततः अपने अंदर छिपे भय को बाहर निकालकर फेंक दीजिए। स्वयं से कहिए कि आप याद कर सकते हैं और आप में याद रखने के सभी गुण मौजूद हैं। स्वयं के विश्वास को मजबूत कीजिए और निपुणता की कल्पना कीजिए। यदि आप में भूलने का भय हावी है तो कुछ भी याद रखना संभव नहीं है। भय को जड़ से उखाड़ना आवश्यक होता है। शुरुआत में निराशा मिल सकती है, लेकिन यकीन मानिए कि निरंतर प्रयास से हर समस्या से उबरा जा सकता है। भाषण याद करना। अब तक दिए गए सभी सुझावों को आजमा कर देखते हैं। पहले इस अध्याय का दोबारा अध्ययन कीजिए। ध्यान दीजिए कि याददाश्त मजबूत करने में किन 9 विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। उन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन कीजिए और फिर जानने की कोशिश कीजिए कि याददाश्त बढ़ाने में ये सुझाव कितने कारगर हैं। इन सुझावों को अपने दिमाग में स्पष्टता के साथ स्थान दीजिए। अब किसी विचार को याद कीजिए। इसके बाद उस विचार के मुख्य बिंदुओं को याद कीजिए। विचार में छुपे संदेशों के क्रम को याद कीजिए। फिर सब कुछ एक साथ याद करने की कोशिश कीजिए। ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद किए गए विचार को दोहराने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए कि पहले के मुकाबले याद करना आसान हुआ या नहीं। इस अभ्यास को निरंतर दोहराते रहिए। कुछ समय बाद विश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा। केवल एक छोटी सी शुरुआत मनचाही मंजिल तक पहुंचा सकती है। समस्या से कैसे उबरें? ईमानदारी के साथ की गई मेहनत के बावजूद यदि परिणाम न मिले तो क्या किया जाए? यह स्थिति बहुत दुखद होती है, लेकिन इसका सामना करना चाहिए। निसंदेह ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराश होकर हार मान लेता है, लेकिन ऐसी निराशा को नकार देना चाहिए। नए सिरे से फिर से शुरुआत करनी चाहिए। सच्ची मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है। मंच के आसपास टहलने से स्वयं को भाषण के लिए तैयार करना आसान हो जाता है। विचारों का क्रम स्थापित होता है और किसी बड़ी चूक की संभावना कम हो जाती है। सबसे सटीक और प्रभावशाली तरीका यह है कि वाक्य के अंतिम शब्द के साथ अगले वाक्य की शुरुआत की जाए। इस प्रकार भाषण के दौरान भाषा का बहाव और विचारों का क्रम बरकरार रहता है। यदि इस तरीके का सहजता से इस्तेमाल किया जाए
तो भाषण में कुछ नएपन की संभावना भी बढ़ जाती है और इस प्रकार मंच पर होने वाला फटकाव विचारों की कड़ी को तोड़ने का काम नहीं करता। आखिरी शब्द के सहारे वक्ता विचार के भाव को याद कर लेता है। देखते हैं कि इस विधि से क्या फायदा होता है। मंच पर सोचे गए शब्द हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं होते, लेकिन अटकने से बेहतर है कि भाषण को जारी रखा जाए। भाषण की पूर्णता बोलने के दौरान होने वाले उतार चढ़ाव से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि आप कहें कि जॉन ऑफ आर्क ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, तो स्वाभाविक तौर पर इस कथन का व्याख्यान कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। स्वतंत्रता एक ऐसा सौभाग्य है जिसके लिए मानव जाति सदा संघर्ष करती आई है। संघर्ष के उदाहरणों से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। इतिहास मजदूरों, गुलामों और कमजोरों के संघर्षों का गवाह है। मध्यकालीन युग में वही शक्तिशाली माना जाता था जिसके पास सेना होती थी, हथियार होते थे और किला होता था। लेकिन बंदूक की खोज के बाद मजबूत किलों की दीवारों, तीर, तलवार, भालों आदि का कोई महत्व नहीं रहा। स्वतंत्रता के संघर्ष में बारूद का महत्व सर्वोपरि रहा है। बारूद की खोज ने नए युग का निर्माण किया। इस प्रकार स्वाभाविक तौर पर एक विचार को दूसरे विचार से जोड़कर विचारों में संबंध स्थापित किया जा सकता है। विचारों को कुछ इस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है। बारूद और बंदूक की खोज से जहां एक ओर कमजोर और बेगुनाह मजदूरों, गुलामों और क्रांतिकारियों की हत्या की गई, वहीं कई निरंकुश राजाओं के किले भी ध्वस्त किए गए। स्वतंत्रता के संघर्ष में गोली बारूद के दम पर कई क्रूर शासकों का तख्ता पलटा गया तथा मानव जाति के लिए नए युग का निर्माण किया गया। इस प्रकार के अभ्यास से भाषण के दौरान क्रम, विचार इत्यादि भूलने की स्थिति में बौखलाहट से बचा जा सकता है। साधारण एवं प्रतिभाशाली व्याख्यान के जरिए भाषण को खींचा जा सकता है। इस बीच छूटी हुई कड़ी को दोबारा पकड़ा जा सकता है और इसलिए सलाह है कि भाषण से संबंधित पृष्ठभूमि की जानकारी को आवश्यक महत्व देना चाहिए। अध्याय 29, सही सोच एवं व्यक्तित्व। लोगों के अस्तित्व को रौंदने का कार्य तानाशाही कहलाता है। इस क्रूरता को कई और नामों से भी जाना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल। सही सोच से प्राकृतिक सौंदर्य एवं कलात्मक वस्तुओं को सराहने की योग्यता विकसित हो जाती है। इस प्रकार सही सोचने की क्षमता और सही करने का विश्वास विकसित होता है। विचारों से प्रेरित जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। यही नहीं, विश्वास, उम्मीद और प्रेम भी विकसित होता है। एनसी शेफर। वक्ता की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व ही वक्ता की सफलता की पूंजी होती है। व्यक्तित्व ही वक्ता को आम लोगों से अलग बनाता है। सफलता के शिखर तक पहुंचने में व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तिगत जीवन और अंदाज, फायदे और नुकसान, दुख और सुख के बिना मानव जीवन पशु समान हो जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहता कि उसे मूर्ख कहा जाए। कोई भी शिक्षित व्यक्ति खुद को अज्ञानी नहीं मानता। भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति स्वार्थी नहीं हो सकता, चाहे उन्हें बार बार मूर्ख साबित करने की कोशिश क्यों न की जाए। धूर्त व्यक्ति भी खुद की काबिलियत से संतुष्ट होता है। पशु समान संतुष्टि से बेहतर है कि व्यक्ति असंतुष्ट रहे। किसी मूर्ख की संतुष्टि से बेहतर है कि सुकरात असंतुष्ट रहे। सवाल और समस्या को एक नजरिए से समझने के कारण पशु और मूर्ख की मान्यताएं समान होती हैं। लेकिन ज्ञानी और शिक्षित लोग प्रश्न और समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करते हैं, इसीलिए उनका निर्णय अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये कहना सटीक होगा कि सुकरात जैसे लोग सही सोच के साथ योजना तैयार करते हैं। ऐसे लोगों की योजनाओं में जन कल्याण का संदेश छुपा होता है। व्यक्ति की हर खुशी, हर दुख, हर उपलब्धि, हर असफलता, व्यक्ति का आकर्षण, कमजोरी, सब कुछ व्यक्तिगत सोच का ही परिणाम है। विचार और ज्ञान के सम्मिश्रण से सही सोच की उत्पत्ति होती है। यदि व्यक्ति हृदय से सोच रहा है तो निसंदेह सही सोच रहा है।
हृदय से न सोचने वाला व्यक्ति दरअसल इंसान ही नहीं होता। हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में छिपी अदृश्य शक्तियों को निखारने की योग्यता रखता है। पुरानी मान्यता है कि सफलता और असफलता भाग्य से प्राप्त होती है, लेकिन इंसान ने प्राकृतिक सिद्धांतों और शक्तियों की जानकारी हासिल कर ली है। इनके आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं का आकलन किया जा सकता है। सालों पहले पता लगाया जा सकता है कि भविष्य में क्या होगा। छोटी छोटी जानकारियों के आधार पर सूर्य ग्रहण की तिथि तय की जा सकती है। हम भौतिक जीवन में कारण और उसके प्रभाव को भली भांति समझते हैं। हम टमाटर का पौधा लगाकर स्ट्रॉबेरी के फसल की कामना नहीं करते। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसका प्रयोग मानसिक शक्ति, नैतिकता, व्यक्तित्व जैसे गुणों के द्वारा किया जाता है। साधारण नियम यह है कि व्यक्ति जो बोता है वही काटता है। वक्ता का चरित्र भाषण की शक्ति का महत्वपूर्ण अंग होता है। केटो ने कहा है कि अच्छे चरित्र का व्यक्ति ही अच्छा वक्ता हो सकता है। फिलिप्स ब्रूक ने कहा है कि सही सोच और गंभीर विचारों वाले व्यक्ति के विचारों का विरोध करने का साहस कोई नहीं करता। एमर्सन ने कहा है कि चरित्र प्राकृतिक शक्ति होती है। प्रकाश और ऊष्मा के समान प्रकृति का हर कण ऐसे लोगों की सहायता में जुटा रहता है। कई लोगों की उपस्थिति पर सदा ध्यान दिया जाता है, जबकि कई लोगों की उपस्थिति पर ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है? दरअसल यही व्यक्तित्व की महानता का भेद है। सत्य व्यक्तित्व की महानता का शिखर होता है। न्याय के द्वारा इसको प्रयोग में लाया जाता है। हर व्यक्तित्व में सत्य की शुद्धता का पैमाना भिन्न होता है। शुद्ध चरित्र वाले व्यक्ति में सत्यता का प्रभाव अन्य लोगों के चरित्र में उसी तरह स्थान प्राप्त करता है जैसे किसी बड़े पात्र में भरे पानी से छोटे पात्र को भरा जाता है। चरित्र प्राकृतिक शक्तियों के क्रम में सर्वोपरि होता है। अशुद्ध, पाश्विक और स्वार्थी विचारों से, स्नेह व परोपकार से परिपूर्ण आदतों का विकास नहीं हो सकता। कांटेदार पौधे के बीच से कांटेदार वृक्ष ही उगता है। कमजोर चरित्र के व्यक्ति का परोपकारी, भावनात्मक और सेवा भाव से प्रेरित विचारों से वास्ता नहीं होता। भावनाओं से प्रेरित विचार ही कल्याणकारी हो सकते हैं। किसी कार्य को निरंतर करने से आदत बनती है। आदतों से चरित्र का निर्माण होता है और चरित्र से भाग्य तय होता है। अर्थात भाग्य के उचित निर्माण के लिए शुद्ध विचारों और चरित्र की भूमिका अहम होती है। न्याय कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसकी महत्ता क्षीण नहीं होती। चरित्र प्रकृति की सबसे अहम उपलब्धि होती है। इसीलिए चरित्र के विकास के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। बगीचे में खरपतवार और कांटेदार पौधे स्वयं ही उगाते हैं, लेकिन संयोजित तौर पर उगाए गए फूल के पौधे बगीचे को मनमोहक एवं खुशबूदार बना देते हैं। विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले अधिकतर छात्रों को पता होता है कि उन्हें किस विषय में शिक्षा प्राप्त करनी है और भविष्य में किस मुकाम तक पहुंचना है। व्यक्ति खुद चुने गए रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता रहता है। वहीं अरुचिकर विषय से व्यक्ति का ध्यान धीरे धीरे हटता रहता है। आमतौर पर लोग अरुचिकर रास्ते पर कदम ही नहीं रखते। मन के कार्य को करने में व्यक्ति को विशेष सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है। हमारे विचारों की रेलगाड़ी लगातार मंजिल की ओर बढ़ती रहती है। उत्तर दिशा की ओर लहराने वाले झंडे को देखकर साफ हो जाता है कि हवा दक्षिण की ओर से आ रही है। घास के मैदान में दक्षिण दिशा में बहते सूखे तिनकों को देखकर पता लग जाता है कि हवा उत्तर की ओर से बह रही है। अर्थात किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति को समझकर उसके चरित्र के विषय में जानकारी हासिल की जा सकती है। इन सुझावों के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जा रही है। यह इससे कहीं ज्यादा गहरी कोशिश है। इसे व्यक्ति की काल्पनिक शक्ति को बढ़ावा देने का प्रेरणा स्रोत कहा जा सकता है। भावनाओं को संभालने की कला कहा जा सकता है। मानसिक शक्ति का उत्तम संचालन कहा जा सकता है, या फिर मुख्यतः इसे इच्छा शक्ति के माध्यम से मंजिल तक पहुंचने का संकल्प कहा जा सकता है।
आम धारणा के मुताबिक दिल दिमाग और अंतरात्मा को सही लगने वाले विचार ही उत्तम होते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। इच्छा शक्ति के विरुद्ध विचार को सही नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के तौर पर दिल दिमाग और अंतरात्मा के मुताबिक सही, लेकिन इच्छा शक्ति के विरुद्ध विचार के खिलाफ सख्त कदम उठाकर देखिए। शुरुआत में गलती का एहसास जरूर होगा, लेकिन धीरे धीरे मालूम होने लगेगा कि निर्णय उचित था। इस प्रकार आप खुद के व्यक्तित्व को दिशा देने में कामयाब हो सकेंगे। वक्ता की कामयाबी और नाकामी मुख्यतः विचारों और प्रवृत्ति पर आधारित होती है। इसे पुस्तक के लेखक ने भाषण की कला सीखने के लिए एक शिक्षण संस्थान में दाखिला लिया था। बाकी छात्रों के मुकाबले लेखक बहुत ही खराब वक्ता साबित हुआ। लेखक की सीखने की क्षमता भी बहुत कमजोर थी। शिक्षक लेखक की अयोग्यता से परेशान थे और अक्सर कमी निकालते थे। यही नहीं, लेखक को बार बार डांट भी पड़ती थी, लेकिन लेखक ने हताश न होने का प्रण लिया और सीखने की तमाम कोशिशें जारी रखी। एक बार दुख भरी आवाज और ईमानदारी के साथ लेखक ने कहा कि मैं हताशा हावी नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी स्थिति में बोलने की कला सीखना चाहता हूं। लेखक के इस बयान में संवेदना, मानवता और इच्छा का शुद्ध भाव था। अंततः लेखक ने हिम्मत नहीं हारी और आज डेल कार्नेगी विश्व प्रसिद्ध वक्ताओं में से एक हैं। ऐसी प्रवृत्ति और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्तित्व को दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। इच्छा से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सच्ची लगन हो तो स्वयं ईश्वर भी मिल जाते हैं। खटखटाने से ही दरवाजा खुलता है। भाषण की कला सीखने वाले व्यक्ति पर भी यही नियम लागू होते हैं। उत्साहहीन तरीके से किए गए कार्य का परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, लेकिन सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। लक्ष्य प्राप्ति में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन सफलता को कोई नहीं रोक सकता। अपनी काबिलियत पर विश्वास और अपनी सोच के लिए बलिदान का भाव कामयाबी की संभावना को दोगुना कर देता है। लिंकन ने खुद में एक महान वक्ता बनने की संभावना पहचानी थी। लिंकन ने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। मीलों तक सफर तय करके पुस्तकें खरीदी, रात में अलाव जलाकर अध्ययन किया, सपने साकार करने के लिए कई बलिदान दिए। लिविंगटन में अफ्रीकी जनता की स्थिति में सुधार लाने का मजबूत जज्बा था। इस विश्वास को पूर्ण करने के लिए उसने अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया। इंग्लैंड में आराम की जिंदगी का त्याग किया और अविकसित अफ्रीकी इलाकों में रहना शुरू किया। अफ्रीकी गुलामों के व्यापार के खिलाफ आवाज बुलंद की और कामयाबी हासिल की। जॉन ऑफ आर्क में विश्वास का असीम भंडार था, इसीलिए उन्होंने क्षमता से अधिक बलिदान दिए और महानता की मिसाल बने। इन सभी लोगों ने स्वयं की दृढ़ इच्छा से प्रेरित सपनों को साकार किया। ये सिद्धांत दुनिया के सभी लोगों पर लागू होता है। यदि इच्छा दृढ़ है तो सफलता अवश्य मिलेगी। बलिदान से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। स्टैंटन डेविस किरखम ने अपने विचारों को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत करते हुए कहा है, आप विचारों को संग्रहित कर रहे होंगे, लेकिन अब लंबे समय से विचारों के रास्ते की रुकावट को लांघने के बाद आप खुद को दर्शकों के सामने पाते हैं। आपकी जेब में कलम है और उंगलियां स्याही से रंगी हैं, पर आप प्रेरणा से उत्पन्न विचारों की बौछार करते हैं। चाहे आप भेड़े चराते हो या शहरों की सड़कों पर आवारा घूमते हो या फिर तेज आवाज में देहाती गीत गाते हो, एक न एक दिन आपका उस्ताद आपको शिक्षा से स्वतंत्र कर ही देता है और उस्ताद को विश्वास हो जाता है कि छात्र ने शिक्षा पूर्ण कर ली है, यानी अब आप खुद निपुण हो चुके होते हो। हाल ही में किसी ने भेड़ों को चराते वक्त महान विचारों को जन्म दिया। इत्मीनान से बैठिए, खाली मैदान और भूसे पर ध्यान दीजिए, दुनिया की कोई नई तस्वीर नजर आएगी।